स्वागत है आप सभी का। साथियों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से काफी बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आ चुका है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथियों, थर्सडे 8 अक्टूबर 2020 आज ही का आया हुआ लेटेस्ट अपडेट है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वैकेंसी अप्लाई ऑनलाइन डेट के रिगार्डिंग काफी बड़ी सूचना साथियों यहाँ पर आ चुका है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कॉन्स्टेबल तथा SI पदों पर आवेदन जल्द, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। साथियों, इसके आवेदन तिथि के रिगार्डिंग बड़ी इन्फॉर्मेशंस है। साथियों, इसमें सब कुछ बताया गया कि इसका अप्लाई ऑनलाइन डेट क्या है और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, एज लिमिट के बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशंस आ चुका है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो को कंप्लीट आप देखोगे। साथियों, यदि आप RPF कांस्टेबल तथा SI पदों पर भर्ती होना चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी तक मिल पाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो CBT एग्जाम स्टडी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और साथियों, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज ही का आया हुआ लेटेस्ट अपडेट है। साथियों, जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करते हुए आओगे, हर एक इंफॉर्मेशन बताया गया है। इंफॉर्मेशन बताने से पहले हम आप सभी को बता दें साथियों, यदि आप GK या GS में जो कि अपनी प्रिपरेशन काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो जनरल साइंस में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, डेली मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए आती है। आप लोग जनरल साइंस में बहुत ही बेटर लाने वाले हो, तो साथियों आप लोग डेली सेशंस लेना ना भूलिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अच्छी सेशंस लाई जाती है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जल्द में खाली पदों पर आवेदन बहुत जल्द, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हर एक इंफॉर्मेशन आ चुका है। साथियों, RPF न्यू वैकेंसी विलंब से आने के कारण इनमें आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को एज में भी छूट दिए जाने पर किया जा रहा विचार। जी हां दोस्तों, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है। आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, जो कि 95-95% की उम्मीद हो चुकी है। साथियों, आपको एज में भी रिलैक्सेशन इस बार मिलने वाला है। आप लोग नीचे देखिए, और भी इंफॉर्मेशन आ चुका है कि इसमें क्या, कब से इसका जो कि आवेदन होगा। साथियों, यहां पर बताया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल तथा SI पदों पर भर्ती जोन वाइज होगी। जी हां दोस्तों, जोन वाइज इस बार आपकी भर्ती होने वाली है। यहां पर देखिएगा, इसकी नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। साथियों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि RPF कांस्टेबल तथा SI पदों पर भर्ती जो कि नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह या दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में आने वाली है। बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है। यदि आप RPF कांस्टेबल तथा SI पदों पर भर्ती होना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। साथियों, आप लोग आगे देखिए क्या बताया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल तथा SI पदों पर जाने के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपनी तैयारी करते रहे। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन साथियों, हर एक इंफॉर्मेशन आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। RPF कांस्टेबल एंड SI रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में चलिए देखिए यहां पर क्या बताया गया है। अपर एज रिलैक्सेशन के बारे में साथियों बताया गया है। आप सभी को बता दें, यहाँ पर 18 से 25 ईयर्स जो कि जनरल वालों की एज होती है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन होता है, 3 ईयर जो कि OBC कैंडिडेट के वालों के लिए रिलैक्सेशन होती है। अगर बात किया जाए साथियों कांस्टेबल वालों के लिए, केवल 10 पास मांगा जाता है एलिजिबिलिटी, और RPF SI एज लिमिट की बात किया जाए तो 20 से 25 ईयर्स इसमें जनरल वालों की एज होती है। और रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो रिलैक्सेशन नीचे बताया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो साथियों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, हर एक इन्फॉर्मेशन बताया गया है। एजुकेशन इसमें कितना लगेगा SI पदों पर, हर एक इन्फॉर्मेशन। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपके समस्त डाउट इसी प्रकार दूर होता रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।